हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का जो कट ऑफ है 2019 का। जैसा कि कल ही आपका एग्जाम हुआ है 24 फरवरी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स नियर अबाउट लगभग मैंने 1.5 to 2000 मतलब 1.5 से 2000 लोगों पे मैंने सबसे बड़ा सर्वे किया है और बहुत सारे लोगों का मेल्स वगैरह इससे रिलेटेड आ रहा था बार बार। तो फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि अभी इसमें जो टायर टू होना है फ्रेंड्स उसमें होना है आपका टाइपिंग और जो भी मैटर्स वगैरह आते हैं कैसे इसमें मैटर आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेटेस्ट दैट, चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स कट ऑफ डिस्कस करने से पहले एक बार हम नज़र डालते हैं आपके प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में आरओ और एआरओ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी अपडेट्स को देख लेते हैं। इसमें जो आरओ की वैकेंसी थी वो मैक्सिमम थी, वो आपका 340 प्लस था, ठीक है। और जो आपकी एआरओ की वैकेंसी थी उसमें केवल और केवल 66 पोस्ट रखे थे, ठीक है, केवल 66 पोस्ट रखे थे। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रीवियस ईयर का जो आपका एआरओ का था, एआरओ का जो पेपर था वो बहुत ही हार्ड था। इनफैक्ट जीएस का पोर्शन अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का पेपर और उसे कंपेयर करें इस बार के पेपर में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं था और पेपर इस बार का काफ़ी आसान था। तो उससे रिलेटेड सारे कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर पूरा हम सारी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आरओ के बारे में बताएंगे, आरओ का जो था इसमें ये जो फ्रेंड्स ये मार्क्स हैं ये आपके फाइनल मार्क्स है, जो कि जितने पे कट ऑफ फाइनल मार्क्स था जिसपे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें ये देख लेते हैं आपका जनरल का 190+3 था, ठीक है, 190.3 था। ओबीसी का कट ऑफ ये था, ये फाइनल सिलेक्शन है फ्रेंड्स। और मैं अभी भी ये बता दूंगा कि आपका जो एआरओ के लिए था इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 120 से 130 के बीच में कट ऑफ गई थी, अभी उसको हम बताएंगे। सबसे पहले एआरओ को बता देते हैं, ठीक है। और इसमें 132 से 136 के बीच में इसमें प्री में कट ऑफ गया था, ठीक है। और ये जो आपका है टाइपिंग के बाद का फाइनल मार्क्स है, यहाँ से आप सारा देख सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब कट ऑफ डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि इसमें कितना हो सकता है एससी एसटी वोमेन का, फ्रीडम फाइटर का और इनफैक्ट वोमेन का। इसमें 20% सीट रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन गर्ल्स को इसमें भी दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं एआरओ की कट ऑफ को, जो आपका अपना सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर कट ऑफ में जो एआरओ की थी, ठीक है, क्योंकि एआरओ की वैकेंसी है तो टोटली स्पेशली हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखा था ये भी जो फाइनल मार्क्स है आपका टाइपिंग प्लस, ठीक है, प्री मार्क्स प्लस टाइपिंग में जो आपके थे ये इतने मार्क्स हैं। तो 166 पे सिलेक्शन हुआ था, ये फाइनल सिलेक्शन है आपका, ठीक है फ्रेंड। 166 166.8 158.3 ये ओबीसी का गया था, 150.8 ये एससी का था, एसटी का इतना था, फ्रीडम फाइटर वालों को काफ़ी इसमें वो मिल जाता है तो डिफरेंट था तो काफ़ी कम था। और एक्स सर्विस मैन का 143 पे, वोमेन का यहाँ पे देखना है फिजिकल हैंडीकैप का मैं दिखा दे रहा हूँ, वोमेन का यहाँ पे 159.6 था, जो कि आपका फ्रेंड देख रहे हैं देख पा रहे होंगे कि ओबीसी के कट ऑफ के लगभग बराबर हो रहा है, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप का यह 155.5 जाता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें फ्रेंड्स, इस बार का जो पेपर है वो स्पेशली बताऊं कि जो आपके एवरेज जितने लोगों के एनालिसिस आया है मेल के थ्रू, कम्युनिटी टाइप के थ्रू या मैसेज के थ्रू हुआ है, तो उनका सबका 150 प्लस, मैंने क्योंकि जो भी लगभग लोग जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छे लोग हैं स्टूडेंट, जो लगभग प्रायरली आपके पीसीएस वगैरह या सीजीएल मेंस वगैरह देते रहते हैं, तो उन स्टूडेंट का नियर अबाउट सबका 150 प्लस है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट 80% है, जो आपको बता दें 80% पेपर काफ़ी आसान था और 20% जो भी क्वेश्चन थे उसमें भी लोगों ने तुक्का मारा क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं, तो उसमें भी उन लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स बन गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी एनालिसिस की है। तो चलिए फ्रेंड लास्ट में और अपने मेन टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मैं बताऊँगा कि इसमें जो आपके मैटर आते हैं टाइपिंग टेस्ट में किस टाइप के मैटर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइनली हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा मेरा, अगर आपके इतने कट ऑफ आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो, इन्हीं के बीच में लाइज करने, क्योंकि आज तक मेरे किसी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एनालिसिस जो है वो गलत नहीं हुई है, खास करके आपके ये जो कट ऑफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जनरल की कट ऑफ मैंने डिस्कस किया है 155 प्लस, अगर जनरल की में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिएगा टाइपिंग, क्योंकि इसमें ये जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाली है, इसलिए आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़। और इसमें प्लस माइनस 5 आप कर सकते हो, अगर आपके 150 भी हो तो भी आप थोड़ी सी प्रायोरिटी लेके चलो कि हो जाएगा, और 160 भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 5 का मैंने डिफरेंस लिया है। अगर ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपका 145 प्लस ही होगा, आपका मार्क्स 145 प्लस होगा, 40 पे भी हो सकता है या 50 पे भी, प्लस माइनस आप 5 कर लीजिएगा। एससी कैटेगरी की जो होगी 135 प्लस माइनस 5 होगा, और एसटी का जो हो गया 125 से प्लस माइनस 5 होगा। वोमेन का जो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनके 20% सीट रिजर्वेशन रहती है, पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देता है
और इनका कट ऑफ नियर अबाउट ओबीसी के कट ऑफ के बराबर हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पे यूपी त्रिपल एस से जो मंडी परिषद है और लोअर की जो वैकेंसी आ चुकी है उससे रिलेटेड क्लासेस कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं, तो उसको वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर जो लोग इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में आ रहा है तो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। और फाइनली मैं आपको डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स कि इसमें जो आपके टाइपिंग में जो आती है वो आता है आपका इंग्लिश, और इंग्लिश में ही आपको करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको बताता हूँ, आपको मिनिमम 70 मार्क्स लाने होते हैं और मैक्सिमम आपका 50 मार्क्स का होता है, तो जो भी आपके टोटल फाइनल मार्क्स बनेंगे वो 250 मार्क्स के बनेंगे, और इसके ऊपर जितना आप ला सको उतना बेहतर ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के आपका फाइनल कटा बना जाता है। और एक चीज़ बता दूँ, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आपका मैटर निकलता है या जो डिसीजन मैटर निकलता है वो काफ़ी आपको नेट पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगी चीज़ें, तो उससे आपको प्रैक्टिस करनी है और वही सारी चीज़, क्योंकि उसमें फ्रेंड्स न्यूमेरिकल वैल्यू और डिजिटल डिजिट वगैरह और ये इंग्लिश मैटर जो भी रहता है उनके कॉम्बिनेशन होता है, तो उससे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स रहेगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है इंग्लिश में टाइपिंग करना, तो अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया तो 1 से 2 महीने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारी बेहतर एनालिसिस। फ्रेंड्स अगर जो भी आपके एक्सपेक्टेड हो आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता, देर से ही सही मैंने सारे कमेंट का जवाब देता हूँ, तो सारी चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। अपना व्यू और रिव्यू दोनों दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।